हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल पे स्वागत है। सपने में किसी को मार देना, ये सपना आप देखते हो तो आपको घबराहट होती है। कई बार दोस्तों सपने में हमें ऐसा कुछ भी दिख जाता है जिसकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं की होती है, जैसे सपने में किसी की हत्या करना, सपने में किसी को मारना, अपने प्रियजन की हत्या करना, उसे मारना। इस तरह के सपने देखने के बाद में हमें बहुत ज़ोर से डर लगता है, क्योंकि किसी को मारना या हत्या करना एक अपराध होता है, इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। अगर हम जब भी किसी अपने को मारते हुए देखते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कभी भी हम अपने किसी प्रियजन को चोट पहुंचाना पसंद नहीं करेंगे। अगर यही सपने में हम किसी को मार देते हैं तो हमें बहुत चिंता होने लगती है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं कि सपने में किसी को मारना कैसा होता है, यह सपना हमें क्या बताता है। सपने में किसी को मार देना, यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आप अपनी कोई परेशानी है जिसको दूर करने का प्रयास कर रहे हो। इसके अलावा अगर सपने में किसी दुश्मन को मारते हो तो इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपकी जो भी परेशानियाँ हैं उनका अंत होने वाला है, वो दूर होने वाली है। जो भी परेशानी काफ़ी दिनों से आपके लिए चल रही है वो दूर होने वाली। अब हम आगे बात करते हैं सपने में हथियार से मारना। जब हम सपने में देखते हैं कि हमने कोई हथियार ले रखा है, उस हथियार से मारने का मतलब होता है कि आपके सम्मान को क्षति होने वाली है, इसलिए आपको सावधान होने की ज़रूरत है। इसलिए आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसके कारण आपके मान सम्मान को नुकसान हो, आपके मान सम्मान को ठेस पहुँचे। इसके अलावा सपने में अनजान व्यक्ति की हत्या करना। सपने में किसी अनजान व्यक्ति की हत्या करने से सपने का मतलब होता है कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है और आप पर कोई बड़ी साजिश करने का शिकार भी कर रहा है, आपके लिए कोई बड़ी साजिश बना रहा है आपको शिकार बनाने की, इसलिए आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।